हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 52 वीक 52 संडे टेस्ट सीरीज का हम यहां पर आज पेपर नंबर 16 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर 15 तक जो है वो आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये आप लोगों को पता चलता रहता है हर संडे हमारे हर ऑफलाइन सेंटर और हमारे हर एक जो उसके अंदर 52 वीक 52 संडे टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज को आप किसी भी इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप निम्बस लर्निंग की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। फिर यहां से आप लोगों के पास में कॉल आ जाएगा कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन में उसे प्रोसेस करना है। हर संडे को ये पेपर होता है और उसका सोल्यूशन भी हम सेम डे करवाते हैं। तो इस संडे पेपर हुआ था टेक्निकल का, तो इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सब लोग जो आ रहे हैं सेशन के अंदर फटाफट से सेशन को लाइक कर दें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे भाई लाइव सॉल्यूशन शुरू हो चुका है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन देख सके। सबसे बेस्ट तरीका अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का पेपर देना, और पेपर अगर हर संडे हो तो बात ही क्या है। तो बात करें अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन हियर। फटाफट से सब लोग लाइक करते जाओ और चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपन। सॉरी, पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वो आपको सुरेश सर करवाएंगे। बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है कि एक लैंप है जो 6 वोल्ट का है और अपन को इसको डिक्लेरेटिव सीरियल सेट के अंदर जमाना है। 230 वोल्ट की टोटल सप्लाई है, तो 230 वोल्ट की टोटल सप्लाई है तो 6-6 वोल्ट के कितने अपन लैंप सीरीज में लगाएं कि वो 230 वोल्ट कंज्यूम कर सकें। जब आप इसमें 230 के अंदर 6 का भाग देंगे तो आपको 38.33 मिलेगा, यानी कि नियर बाय कितना 40, यानी कि 40 लैंप को आप अगर सीरीज में लगाएंगे तो 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए वो सफिशिएंट काम कर लेगा। इज इट क्लियर? हाँ, कम लैंप लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा मत बोलना कि सर 38 है तो 32 लगा दूं। नहीं भाई, 32 लगा दिए वोल्टेज ज्यादा हो गया तो वो जल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट, ब्राइटनेस का यूनिट, ब्राइटनेस को ल्यूमिनेंस भी कहते हैं। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है निट, पर ऑप्शन में निट नहीं था। कैंडल अपॉन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। कैंडल ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। ल्यूमिन अपॉन मीटर स्क्वायर और लक्स दोनों ही इल्यूमिनेशन का यूनिट होते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो भी मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको जो दूसरे ऑप्शन है वो किसके आंसर है वो भी मैं बता रहा हूँ। यही इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप लोगों को केवल आंसर नहीं, उससे रिलेटेड दूसरी बातें भी डिस्कस करी जाती है ताकि आपका नॉलेज और बूस्ट हो और अगले पेपर में आप और भी अच्छा कर सकें। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है कि इंडिकेटर लैंप जो है उसके अंदर क्या मतलब होता है। अर्थ और न्यूट्रल कनेक्शन होता है। अरे भाई, तो न्यूट्रल कर दोगे, फेज तो दिया ही नहीं आपने। न्यूट्रल कनेक्शन नहीं, फेज एंड न्यूट्रल कनेक्शन। यस, एक फेज और एक न्यूट्रल होगा तभी सप्लाई उस लैंप के अंदर से गुजरेगी और वो इल्यूमिनेट कर पाएगा। बेसिक आप लोगों को यहाँ पर वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से आंसर मार्क करते जाना भाई कि हाँ सही है गलत है, मार्क करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर टेन बताओ, और हाँ कमेंट सेक्शन में तुम अपने आंसर भी डालते रहो ताकि आप लोगों को पता चले कि किसका आंसर सही हुआ और किसका आंसर गलत हुआ। फटाफट से वीडियो को लाइक करते जो लोग सेशन आते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप गिव। जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है ल्यूमेन अपॉन वाट के अंदर। तो हमें पता है कि मर्करी वेपर लैंप की जो एफिशिएंसी होती है वो 60 से लेकर के 80-90 ल्यूमेन पर वाट के आसपास होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आपको हो सकता है कि आंसर की के अंदर आंसर जो है वो डी दिया गया, वो मिसप्रिंट हो गया, गलती से जो है वो अपडेट नहीं हुआ और उसका आंसर ए करना था बट वो आंसर डी रह गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा दादा, 60 ल्यूमेन पर वॉट। आंसर की लेकर के नहीं बैठना है, आंसर की लेकर नहीं बैठना है, फिर मतलब ही क्या है सॉल्यूशन का यहाँ पर, समझ रहे हो। इसका जो वैल्यू होता है वो 60 लेकर के 80-90 ल्यूमेन पर वॉट के आसपास होता है। 20-10-30 इतना कम नहीं होता है। इसका मर्करी वेपर लैंप है भाई, छोटा मोटा लैंप थोड़ी है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60 ल्यूमेन पर वॉट। पीछे जो है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, डी की जगह ए आएगा। क्लियर? बाकी सब एकदम सेट है, आंसर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वैसे भी हम है ना सॉल्यूशन कराने के लिए, तो फिर दिक्कत ही क्या, आंसर की लिया ही मत करो कोचिंग से। आप लोग टेस्ट सीरीज देख के अंदर क्वेश्चन देख करके घर आकर के वेट किया करो कि भाई कब सॉल्यूशन चालू होगा, अपन को दूसरी डिस्कशन करना है। एक पेज क्यों फालतू में लेकर के और जो है वो आप लोग एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। सेव पेपर दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, कह रहा है कि एक सरफेस है जो 30 डिग्री इंक्लाइन, बहुत अच्छा सवाल है, 30 डिग्री इंक्लाइन है जो जमीन से 5 मीटर ऊपर है और 100 कैंडल पावर का लैंप लगा हुआ है, तो आपको ल्यूमिनस एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट द सरफेस, आपको इल्यूमिनेशन बताना है। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये भैया आपका सरफेस है,
ये आपका जो लैंप है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ है, 5 मीटर की ऊंचाई पर, और जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पर इस जगह पर इल्यूमिनेशन कितना होगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, E is equals to I upon R square होता है, और जब एंगल आता है तो यहाँ पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती है, cos cube theta, I upon R square into cos cube theta। ये आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए, ये अपन नोट के रूप में लिखते हैं। अब फॉर्मूला नहीं पता तो इसका डेरिवेशन अपन यहाँ नहीं करेंगे, वो आपको नोट्स में आपको वहां रिविजन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लोग जो है नए हैं, किसी दूसरी कोचिंग है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो निम्बस लर्निंग की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां से कोई भी पावर सिस्टम का कोर्स औने पौने दामों में खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस क्यूब थीटा। यहां पर देखो, सो कैंडल पावर, कैंडल पावर क्या होता है, कैंडल आई यूनिट इंटेंसिटी का होता है, आई का वैल्यू दे रखा है 100, डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और कॉस क्यूब थीटा यानी कि कॉस क्यूब 30 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 2.59 के आसपास, यानी कि आंसर हो जाएगा बी 2.6। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आंसर की कहां से मिलती है सर? आंसर की यूट्यूब से मिलती है दादा, इसीलिए संडे को पेपर दो, शाम को चुपचाप बैठ जाओ यहां पे सॉल्यूशन के लिए, इधर उधर कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो सेशन के अंदर आते जाने फटाफट लाइक करते जाओ भाई, दुआ मिलेगी आप लोगों को सबको निम्बस लर्निंग के परिवार की तरफ से। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, अब जब अच्छा लग रहा है रोज रोज आते हो तो कर लिया करो, उसमें क्या। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डाइलेक्ट्रिक लॉस, काम की बात पढ़ा करो क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम मिलता है। आजकल सारे पेपरों के अंदर टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 120 मिनट 200 क्वेश्चन, 120 मिनट 150 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप लोग सीखो ट्रिक कि क्या, आपको कह रहा है कि कंसिडर करो डायलेक्ट्रिक लॉस के रेस्पेक्ट में, तो डायलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, वी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा। क्या कह रहा है, क्या सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इनवर्स में तो कुछ है ही नहीं, तो इनवर्स वाले ऑप्शन हटा दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हाँ ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, हाँ एकदम सही है, मतलब पहला और चौथा सही है, पहला चौथा, यानी आंसर हो जाएगा डी। बहुत सिंपल, आज इतना स्लो काय चल रहे हो भाई, आंसर या क्वेश्चन चल रहा है 12वां, आंसर कर रहे हो 11 का, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिट्टू अंसारी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में अपने क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं यहाँ पर इल्यूमिनेशन के। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पावर सिस्टम के ऊपर, पावर सिस्टम का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 86 से। बहुत बढ़िया 86, सबसे पहला क्वेश्चन आईई रूल का ठोक दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी की परमिसिबल रेंज इंडिया में कितनी होती है, 3% की होती है, 1% की अमेरिका में होती है, नौकरी तो भारत में करनी है तो भारत का पता रखा करो, 3% इज द करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। यस, सुपर फास्ट एकदम, क्वेश्चन आया नहीं फटाफट से पढ़ के इसका आंसर कर देना अपने को ग्रुप के अंदर। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। नरोगा सर की याद आ रही है, वो क्लासेस में बीजिए लाला, वो क्लासेस से फ्री होंगे तो उनके भी दीदार आपको जरूर होंगे। क्वेश्चन 87, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 हर्ट्ज 17.32 केवी का एक जनरेटर है, बाकी सब फालतू बातें है, कह रहा है सबसे लास्ट में पढ़ो, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 VM के बराबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने इसको मैराथन सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था, तो आप लोगों को VM चाहिए बस। अब जो गिवन वोल्टेज होता है वो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, RMS वैल्यू होती है, और उसके अलावा लाइन वोल्टेजेस की वैल्यू गिवन होती है। जनरेटर जो है वो आपको 3 फेज, अब जनरेटर सिंगल फेज में तो जनरेशन करेगा नहीं, यानी कि ये 3 फेज की RMS वैल्यू, आपको चाहिए 1 फेज का पीक वैल्यू। तो 17.32 जो है उसको पहले फेज में कन्वर्ट करो, ये RMS वैल्यू है, इसको फिर पीक में कन्वर्ट करो, और फिर इसको गुणा कर दियो 2 से। कैलकुलेटर है तो ठीक, वरना इस क्वेश्चन को छोड़ के सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश किया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम में समय खराब करने के लिए दिए जाते हैं, अटेम्प्ट करने के लिए नहीं देते। तो ये कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा 28.28 केवी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, सीरीज कैपेसिटर को ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्यों लगाते हैं। अब सीरीज कैपेसिटर को ट्रांसमिशन लाइन में लगाने के पीछे लोचा क्या है, अपन को बताया ट्रांसमिशन लाइन में पावर ट्रांसफर कैपेसिटी P बराबर VSVR अपॉन X इनटू साइन डेल्टा होती है। अगर आप सीरीज कैपेसिटर लगाओगे तो ट्रांसमिशन लाइन का ओवरऑल रिएक्टेंस घटेगा, जिससे आपकी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और दूसरा आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है। कौन सा स्टेबिलिटी बढ़ता है वो आप लोगों को नोट्स में पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर अपन नहीं बताएंगे, इधर ऑप्शन में स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, तो अपन स्टेबिलिटी के पॉइंट को अभी नहीं छुएंगे। हाँ अगली बार बोल दिया तो अपन उसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, इंप्रूव द पावर फैक्टर नहीं, शंट कैपेसिटर यूज होता है, रिड्यूस द करंट रिपल नहीं, इंक्रीज द पावर फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन एकदम सही, रिड्यूस द फेरेंट इफेक्ट नहीं, इसके लिए आप शंट के अंदर रिएक्टर का प्रयोग करते हैं।
तो आंसर हो जाएगा इसका सी। हाँ, एक ऑप्शन स्टेबिलिटी होता तो फिर बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी करके आपको जरूर मिलता। क्वेश्चन 89 कह रहा है कि कैसा ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसमें सारा का सारा सीक्वेंस वोल्टेज जो है फॉल्ट के पॉइंट पर इक्वल होता है। फॉल्ट पॉइंट पर सभी सीक्वेंस वोल्टेज इक्वल होते हैं 99 टू ग्राउंड फॉल्ट में। और सुनते जाओ, फॉल्ट की लोकेशन पर सारी सीक्वेंस करंट इक्वल होती है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर, और सारी सीक्वेंस करंट का योग अगर जीरो होता है तो वो भी 99 टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ट्रिपल लाइन फॉल्ट में कोई जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस या जो कंपोनेंट है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन के कंसेप्ट बता दिए, ध्यान से कान कोरकल के सुनते रहो और पेन से धनाधन लिखते जाओ आंसर को। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, शीत काय यूज करते हो केबल के अंदर, शीत होती कहां है पहले वो बताओ। कोर, कोर के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर होता है शीत। अब इंसुलेशन जो है उसके अंदर मॉइस्चर वॉइस्चर घुस सकता है, इंसुलेशन को किसी चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन उसके ऊपर एक मेटल का शीट चढ़ा देते हैं जो उसके अंदर मॉइस्चर, सबसे मेन मॉइस्चर को घुसने से रोकता है। ऑप्शन सी पढ़ो, है स्ट्रेंथ आर्मरिंग देता है, प्रॉपर प्रोवाइड इंसुलेशन, ये इंसुलेशन की प्रॉपर्टी, शीत बेचारा इंसुलेशन कैसे देगा। और स्ट्रैंड्स के ऊपर रस्ट को रोकता है, भाई स्ट्रैंड्स के ऊपर तो इंसुलेशन होता है, शीत होता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटरिंग फ्रॉम द केबल। सवाल हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी के अंदर सवाल पढ़ करके ग्रुप के अंदर या फिर टेक्स्ट के अंदर आपके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। जो लोग क्लास के अंदर आ गए फटाफट से सेशन को लाइक ठोक दें, और जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आए सब्सक्राइब भी ठोक दें। बहुत बढ़िया, महाकाल की आप लोगों पर कृपा होगी। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि इनवर्स डेफिनाइट मिनिमम टाइम लैग रिले को क्या कहते हैं। भैया आईडीएमटी रिले एक प्रकार की ओवरकरंट रिले होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, खत्म हो गई बात। ये क्या लिखा है, चिंबस। ओ भैया निंबस है, हाँ जो मोटू पतलू वाला वो नहीं है, यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर यम पॉसिबल वाला जो चिंबस बोल रहे। इकोनोमाइजर का काम क्या है, भारत के हर राज्य के अंदर हर जेईएन के पेपर में ये सवाल पूछा हुआ, और ये अनवरत रूप से पूछा जा रहा है अनंत काल से, और आगे भी अनंत काल तक पूछा जाएगा कि इकोनोमाइजर फ्लू गैस की सहायता से बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, सर्ज वोल्टेज किसकी वजह से आते हैं। देखो अगर बिजली गिर गई तब भी सिस्टम का वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है, फॉल्ट आ गया तब भी ओवर वोल्टेज जब आता है तो अपन उसको भी तो एक फॉल्ट कहते हैं, तो ओवर वोल्टेज इज ए कंडीशन ऑफ फॉल्ट। स्विचिंग की वजह से भी सिस्टम में वोल्टेज बढ़ता है, स्विचिंग का मतलब क्या, लोड इंडक्टिव नेचर के होते हैं, जैसे डिस्कनेक्ट होता है इंडक्टर सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, वो अपने अक्रॉस हाई वोल्टेज क्रिएट करेगा, तो ये वोल्टेज स्विचिंग की वजह से भी आ सकता है, बिजली की वजह से भी आ सकता है, फॉल्ट की वजह से भी आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। डी को लॉक कर दिया है दयानंद सरस्वती जी, हाँ बहुत बढ़िया, डी को लॉक कर दिया, एकदम ताला लगा दिया, बिल्कुल लिंक वाला ताला लगाए हैं, एकदम बहुत सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज व्हेन द कंडक्टर इज डेड एंडेड एंड द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। लाइन की दिशा जब बदलती है या फिर जो पोल है वो सबसे आखिरी पोल है ऐसे पकड़ के खड़ा है ट्रांसमिशन लाइन को, तो इन दोनों ही जगहों पे जो इंसुलेटर लगता है वो कौन सा इंसुलेटर होता है, बताओ भाई आंसर बताओ इसका फटाफट से, कम ऑन फास्टर, धक्का मुक्की चलनी चाहिए ग्रुप के अंदर, यूं आना चाहिए आंसर। बहुत बढ़िया, जो सेशन में आगे लाइक करो भाई, चार लोग अभी भी आए हैं बिना लाइक के, चुपके से पीछे वाली बेंच पे बैठ गए, जैसे नहीं चलेगा। आंसर हो जाएगा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड, सवाल शिवानी अमित आकांक्षा, ये क्या लिखा है भाई, जनार्दन मंडल, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत ही तुम्हारा फ्यूचर बहुत चमक रहा है, बहुत तेज, हमें यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन से तेज नजर आ रहा है तुम्हारे फ्यूचर का, बहुत बढ़िया शाबाश। मोर रिले का दूसरा नाम बताओ भाई, मोर रिले, तीन रिले होती है, इंपेडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, मोर रिले, तीनों के तीन अलग नाम है, वो नाम याद होने चाहिए, हर पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है। वोल्टेज रेजिस्टेंस डायरेक्शनल रिले मोर रिले का दूसरा नाम होता है, इसके अलावा आप लोगों को इंपेडेंस और रिएक्टेंस के भी नाम याद होने चाहिए, अगली बार हो सकता है आपसे पेपर में वो पूछ लिए जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन सबस्टेशन, बिजली घर में क्या नहीं होता, रिएक्टर होता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है, सीरीज कैपेसिटर होता है, एक्साइटर जनरेटिंग स्टेशन के अंदर होता है, जो अल्टरनेटर में एनओआरएस पोल बनाने का काम करता है रोटर पे, तो ये बिजली घर में उपलब्ध नहीं होता। आप लोगों ने एक दिन का ट्रेनिंग किया होगा बिजली घर में, जहां आप सर्टिफिकेट लेने गए तो आपने देखा होगा कि बिजली घर में एक्साइटर नाम की चीज नहीं होती, बिल्कुल एक दिन वाली ट्रेनिंग, शाबाश, याद आ रहा होगा तुम लोगों को। Which type of generator is employed in wind power plant? Wind power plant में कौन सा generator use करते हैं? Induction generator use करते हैं, synchronous generator पा रहे, जो nuclear power plant हुआ, thermal power plant इन सभी के अंदर ये use करता है, induction generator अपन use करते हैं wind power plant के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत easy question है ये, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। Non-conventional energy sources में गिने चुने question आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे question आते हैं,
जो हमेशा फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी, बॉम्बे इंडक्शन जनरेटर। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, द स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन चेन रिएक्शन इज डन बाय। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं हायाबुसा पे चढ़ कर एकदम पूरी बाबा, तो उनको रोकना पड़ता है क्योंकि वो है गामा रेडिएशन और वो निकल जाएंगे रिएक्टर की दीवार से बाहर। तो उनको रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, मंदक का प्रयोग करना पड़ता है। मंदक देखो हिंदी में पढ़ लो आंसर आ जाएगा डी, बी मंदक, बी फॉर बॉम्बे मंदक। मंदक क्या करेगा, गति नियंत्रित करेगा। रिफ्लेक्टर क्या करेगा, उम्बक करके रिएक्शन में भेजेगा। कूलेंट क्या करेगा, उस हीट को एक्सेप्ट करेगा। कहां, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्टर के अंदर हीट बनी उसको खींच कर बाहर लाने का काम कूलेंट करता है। आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98। अभी बताया था मैंने कि सिस्टम में लोड इंडक्टिव होता है, जब उसको स्विच ऑफ किया जाता है तो वो चेंज इन करंट का अपोज करने के लिए अपने अक्रॉस हाई वोल्टेज इनिशिएट करता है, जो है वो पैदा करता है। तो अगर लोड इंडक्टिव है, थ्रोन ऑफ, फेंक दिया उसको, मतलब कि स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, वोल्टेज का टर्मिनल का वोल्टेज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपको अगर कोई एडिशनल डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8209842985। शरीर पे गुदवा लो, कोई भी पावर सिस्टम की दिक्कत हो इस नंबर पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर, पावर सिस्टम खत्म, उसके बाद में मशीन और मेजरमेंट का भोकाल लेके आएंगे मिस्टर सुरेश सर, बहुत बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक लॉस किसी भी केबल करता, फिर से वही बात, बी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा। कैपेसिटर पे करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, वोल्टेज पे करेगा। कैपेसिटर पे करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, वोल्टेज पे करेगा। इंडक्टेंस का नामो निशान नहीं होता केबल के अंदर, कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाता है, यस और नो। तो यहां पर आपके यूटिलाइजेशन और पावर सिस्टम के क्वेश्चन समाप्त हुए। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट सेशन जो अभी अभी कंटिन्यू, जाना नहीं है भैया कहीं, लाइक ठोक दो फटाफट से, पानी पी लो और अपने हाथों को एक्सरसाइज करा लियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही भारी भयंकर आने वाले हैं मशीन और मेजरमेंट के। चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, साउंड क्लियर है सभी को? हाँ गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपन मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी ने दे ही दिया है, तो ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। वोल्टेज मॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा तो आपको नोट्स की फॉर्मेट में या शॉर्ट में टेबल में लिखवाता हूँ कि जो मॉस्फेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मॉस्फेट में तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो इसका सिंबल जो होगा वो आप सभी को पता होगा, गेट सोर्स एंड ड्रेन। तो यहाँ पर तीन टर्मिनल होंगे, कौन कौन से, गेट सोर्स एंड ड्रेन। तो ये आपके पास में क्या होगा, गेट, ये सोर्स, और ये क्या होगा आपके पास में, ड्रेन। तीन टर्मिनल होते हैं मॉस्फेट के अंदर। तो सेकंड का आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, गेट सोर्स एंड ड्रेन, सही आंसर एकदम, सभी का एकदम सही आंसर है, सभी बताते जाओ आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन ठीक है, बहुत सारों को ये पता नहीं होता है कि मॉस्फेट जब अगर ऑन स्टेट में होता है तो किसकी तरह काम करता है। तो ध्यान रखना, मॉस्फेट जब भी ऑन स्टेट के अंदर होता है तो वो एज ए कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, एज ए कैपेसिटर, यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, हाँ सही आंसर एकदम सभी का। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, इससे तो बहुत डीप में अपन क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है, एक डिवाइस दैट कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, चॉपर। यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चॉपर जो है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, अगर आपको शायद पता हो क्वेश्चन नंबर फाइव में, तो बक कन्वर्टर इज यूज्ड। बक कन्वर्टर मैंने आपको लिखा है, तो एक और नाम होता है इसका स्टेप डाउन चॉपर, या फिर एक और होता है टाइप ए चॉपर, यानी स्टेप डाउन चॉपर जो होता है वही बक कन्वर्टर होता है। बक कन्वर्टर क्या काम करता है, स्टेप डाउन का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, स्टेप डाउन का काम करेगा। तो बक कन्वर्टर क्या काम करेगा, तो बक कन्वर्टर इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज, यानी ऑप्शन डी। हाँ डी को लॉक कर दिया जाए, दयानंद लॉक कर दिया, एकदम सही आंसर है। तो सभी का आंसर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं, इन एन एसी टू डीसी कन्वर्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गिव्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आपको पता है किसी भी चीज की अगर क्वालिटी अगर निकालनी है, किसी इक्विपमेंट की क्वालिटी निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं एफिशियंसी निकालते हैं ना, तो एफिशियंसी जो होगा वो सभी चीज की क्वालिटी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कन्वर्टर की क्वालिटी कौन बताएगा, तो एफिशियंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक ही दिया हुआ है, एफिशियंसी कौन सा, रेक्टिफिकेशन एफिशियंसी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हाँ बी ऑप्शन सही आंसर। सौरभ, जनार्दन, आकांक्षा, बिट्टू भाई सभी एकदम सही आंसर है। चलिए तो ये आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे। अब अपन बात करते हैं मशीन के क्वेश्चन और उनको डिस्कस करते हैं। तो मशीन के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछे गए, चलिए अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, आप सभी लोग जिसका इंतजार करते हो मशीन का नॉर्मली, तो उनके आपसे बोला हुआ है, इन विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क। आपको पता है कि सबसे लो स्टार्टिंग टॉर्क किस इंडक्शन का मोटर का होता है, तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है। कौन सा, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे लो होता है। तो आंसर रहेगा आपके पास में, इसका आंसर क्या होगा, शेडेड पोल, यानी कि ऑप्शन डी, हाँ डी एकदम सही आंसर है, शेडेड पोल। सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का होता है। तो इसमें वो नहीं पूछा हुआ है, आपको शेडेड पोल दिया हुआ है, तो आंसर होगा शेडेड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, द डीसी शंट मोटर आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग। डीसी शंट मोटर किसके लिए यूज करते हैं अपन, लेथ मशीन, मशीन टूल, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर होगा। 73 आंसर बी ऑप्शन, नहीं बिट्टू भाई गलत आंसर है आपका, ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबाउ। सभी एप्लीकेशन में अपन यूज करते हैं यार ये, तो टेबल की फॉर्मेट में अपन क्लास के अंदर लिखते हैं, लीथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और आपको इतना भी पता है कि जितनी भी इंडक्शन मोटर की जितनी एप्लीकेशन होती है उन सभी में अपन क्या यूज कर सकते हैं, या फिर डीसी की सेंट की एप्लीकेशन में अपन इंडक्शन यूज कर सकते हैं, दोनों अल्टरनेट है। तो इंडक्शन मशीन में अपन क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप में अपन इंडक्शन भी यूज करते हैं ध्यान रखना, तो डीसी शंट भी यूज करते हैं, दोनों की एप्लीकेशन सेम ही होती है, हाँ डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, सही आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही आंसर दे दिया कि फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर। फील्ड वाइंडिंग किस मटेरियल की बनाते हैं, कॉपर की बनाते हैं, हाँ एनएचपीसी में भी आया था, एनएचपीसी के अंदर भी आए थे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एनएचपीसी में आए। अगर आप देखोगे तो ईएमएच में बताया कि ईए की बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा कहाँ से गया क्वेश्चन उठ के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, द डीसी मोटर विच इज कॉमनली यूज इज। अब देखो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि अपन हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए बात कर रहे हैं या फिर अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, पावर सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं, बस ऐसा क्वेश्चन है, डीसी मोटर कॉमनली कौन सी यूज करते हैं, तो जनरली कौन सी यूज करते हैं, तो देखो जनरली तो इंडक्शन मोटर होती है, जनरली कौन सी होती है, इंडक्शन मोटर होती है। लेकिन मैंने क्या बोला, इंडक्शन मोटर की सभी एप्लीकेशन में अपन डीसी शंट मोटर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कॉमनली यूज अगर पूछा जाए कभी भी, तो आप आंसर लगाओगे आपके पास में डीसी शंट मोटर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता, द डीसी मोटर विच इज यूज्ड इन हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन, तो फिर आपका आंसर होता आपके पास में सीरीज मोटर। क्लियर, तो कॉमनली पूछा हुआ है, जनरली पूछा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ ए ऑप्शन सही आंसर है। तो जो भी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 का आंसर बताओ जल्दी से, इन द इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी से बताओ क्या होगा, किसने बात करा, इन इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है जल्दी से बताओ। तो आपने पढ़ा होगा लो स्लिप रीजन एंड हाई स्लिप रीजन, आपको अगर मैं क्लास में पढ़ाए कि लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्लिप के, किस केस में, लो स्लिप रीजन के अंदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाई स्लिप रीजन के अंदर, यानी क्या होगा आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर आएगा आपका लो स्लिप रीजन। अगर यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो आंसर आता आपका हाई स्लिप रीजन। क्लियर, तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हाँ डी एकदम सही आंसर है सभी का। अगला बताओ जल्दी से, ये तो आपको डीसी मोटर की मैं पहली क्लास के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, डीसी मशीन में जब पहली क्लास अपन पढ़ते हैं तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है किसी भी जनरेटर की वाइंडिंग में वो किस नेचर का होता है, एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एसी नेचर का होता है। उस एसी नेचर की वजह से आपका करंट एसी फ्लो होता है, बट उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, एसी नेचर का होगा, इन आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 77। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78,
बोल रहे थे टॉर्क डेवलप बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अपन एसी सप्लाई देते हैं, और एसी सप्लाई ओनली किसको देते हैं, सिंगल फेज वाइंडिंग को देते हैं, और सिंगल फेज वाइंडिंग को अपन एसी सप्लाई देते हैं, तो आपको पता होगा सिंगल फेज वाइंडिंग को कभी भी एसी सप्लाई दो तो पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, हाँ 78 आंसर ए सभी का एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपको क्या बोल रहा है द पावर। अच्छा अगर आप में से किसी को देखो नॉर्मली मशीन में क्या होता है, सभी स्टूडेंट को ये रहता है कि भाई सिंक्रोनस मशीन हो जाए ना, तो सिंक्रोनस मशीन की जो क्लास है डिटेल्ड क्लास है, एक्चुअली वो गेट के लिए, गेट आईएएस के लिए, लेकिन काफी हाई लेवल की क्लास है, बट अगर आपने एक बार सिंक्रोनस मशीन हाई लेवल का पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। तो सिंक्रोनस मशीन की क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है, इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर चल रही है, आप चाहो तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो मुझे इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, 8 क्लासेस हो चुकी है, 8 क्लासेस, और वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप जाके उनको वॉच कर सकते हो। सिंक्रोनस मशीन की क्लासेस हो चुकी है, और क्लास का टाइमिंग रहता है अगर आपको लाइव पढ़ना है तो इवनिंग में 9 to 10, आज भी क्लास होगी 9 से 10 बजे तक, तो जिसको भी अगर सिंक्रोनस मशीन पढ़ना है तो आप 9 to 10 ज्वाइन कर सकते हो मुझे इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, क्लियर। तो ध्यान रखना किसी को अगर पढ़ना है तो आप आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है द पावर इज सप्लाइड टू ए रोटेटिंग डिवाइस इन एन इंडक्शन मोटर बाय मींस ऑफ। तो देखो इंडक्शन मोटर में जो पावर सप्लाई होता है रोटेटिंग डिवाइस को किससे होता है, तो किससे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल होगा आपके पास में तो क्या होगा द पावर सप्लाइड टू रोटेटिंग डिवाइस इन ए इंडक्शन मोटर बाय मींस ऑफ। तो इंडक्शन मोटर को अपन किससे सप्लाई करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आपके पास में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर, 79 डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, आपको बोला हुआ है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज रिवर्स्ड बाय। तो ये थ्योरेटिकली आपने पढ़ा होगा कि अगर हिस्टेरेसिस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अगर रिवर्स करना है तो शेडेड पोल को आप चेंज कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, शेडेड जो भी आपके पास, शिफ्ट द शेडेड पोल विद रेस्पेक्ट टू मेन पोल्स, तो शेडेड पोल को अपन शिफ्ट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू मेन पोल्स, तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है। हाँ, तो आंसर होगा आपके पास में 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोला हुआ है द मोटर दैट यूज्ड फॉर इंटरमिनेंट लोड या फिर हाई लोड टॉर्क, तो आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना इंटरमिनेंट लोड जो होता है उसका आंसर है क्यूमुलेटिव कंपाउंड अपन यूज करते हैं। कौन सी मोटर यूज करते हैं अपन, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अगर ये वर्ड अगर हटा दें और अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो फिर आपका आंसर होता सीरीज मोटर, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या बोला हुआ है द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मतलब कौन सी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से होती है, आपको पता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग अपन कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो आपका आंसर क्या होगा देख लो, द रनिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो आंसर बी हो गया, क्लियर, ऑप्शन बी सही आंसर है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से अपन कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, इन सिंक्रोनस मोटर द डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन। आपको बताया डेम्पर वाइंडिंग कहां पर होती है, तो सिंक्रोनस मशीन में जो डेम्पर वाइंडिंग होती है वो रोटर पर होती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के साथ में अपन प्लेस करते हैं, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, रोटर, हाँ बी ऑप्शन है आपके पास में रोटर, तो रोटर पर अपन प्लेस करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोला, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, देखो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है, लेकिन कौन सा, एसी, तो आंसर होगा आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट, तो आपका आंसर रहेगा 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 85 क्या बोला हुआ है, द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन द पोर्टेबल ड्रिल्स। ड्रिल के अंदर कहां है, कौन सी मोटर यूज करते हैं, जल्दी से बताओ, ये सभी को आपको एप्लीकेशन के अंदर याद होगा कि ड्रिल के अंदर, ड्रिलिंग मशीन के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, तो आंसर होगा आपका एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर, क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर, स्टेरेसिस नहीं यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं अपन, कहां पर, पोर्टेबल ड्रिल्स की बात कर रहा है, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन सही आंसर होगा, यूनिवर्सल मोटर। चलिए तो यहां पर जितने भी मशीन के जितने भी क्वेश्चन थे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्वेश्चन थे वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया किसको भी सिंक्रोनस पढ़ना है तो वो इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप रात को 9 बजे जुड़ सकते हो मेरे से, जिसके अंदर अभी पावर फ्लो इक्वेशंस चल रहा है, पावर आपको पता है ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, और वो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है।
ठीक है। तो चलिए अभी मेजरमेंट और नेटवर्क के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनके लिए सर आ रहे हैं आपको सॉल्व करवाने के लिए। तो बने रहिए चैनल पर, और जिस जो अभी जुड़े हैं, जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू डियर। आवाज आ रही है? अरे मेजरमेंट भी एकदम, मेजरमेंट भी कराएंगे, चिंता मत करो, मेजरमेंट कराएंगे, ठीक है। बस मेजरमेंट कराने आया हूँ मैं, ठीक है। चलो अब आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 57 आई गेस मेजरमेंट का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आई गेस मेजरमेंट का था, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए मेजरमेंट के अंदर इस बार। आवाज आ रही है क्या? अरे बोलो यार, 57, वेरी 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ यहाँ से स्टार्ट। देखो भाई 57 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन वेरियस टेम्परेचर कंडीशन रिजल्ट इन। अरे किसी का आंसर आया क्या इसका? 57 का आंसर किस? तो देखो क्या पूछ रहा है, द अप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन वेरियस टेम्परेचर कंडीशन, या टेम्परेचर कंडीशन की बात अगर कर रहा है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो तीन तरह से आ सकती है सर। एक तो आ सकती है आपकी किससे, दैट इज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। दूसरी आ सकती है किससे सर, दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल एरर। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम, दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। पता है क्या आपको, तीनों चीज होती है। तो इस केस में कौन सा वाला होगा यार, एनवायरमेंटल एरर, बिकॉज टेम्परेचर तो एनवायरमेंट चेंज कर रहा है ना, बाहर से टेम्परेचर चेंज कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एनवायरमेंट चेंज कर रहा है। तो होगा क्या, द अप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन वेरियस टेम्परेचर कंडीशन रिजल्ट्स इन ए सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर तो पूरा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट एरर एक पार्ट है सिस्टमेटिक एरर का। और ग्रॉस एरर कौन सी एरर है, जो अपन खुद करते हैं, ह्यूमन बींग खुद करता है, दैट इज अवर ग्रॉस एरर, ठीक है। तो ग्रॉस एरर तो होने वाला नहीं था सर। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में तीन पार्ट याद है, कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंट एरर, उसके बाद क्या, That is our environmental error. Last one is our observational error. बात समझ में आई क्या? बहुत ही सिंपल स्वीप क्वेश्चन था, देख के टिक करना था। टेम्परेचर मतलब दिमाग में हिट करना चाहिए था, environmental error. बात समझ में आई क्या? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 58 is, a 0 to 100 volt voltmeter has a guaranteed accuracy of 1% of full scale reading. The voltage measured by this instrument is 25 volt. What is the limiting error? अरे यार एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्लास में कराते हैं ऐसा क्वेश्चन। जल्दी से आंसर लिखो यार, फटाफट से लिखो। सौरभ कुमार आंसर लिखो जल्दी से, विशाल कुमार आंसर लिखो जल्दी 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 आंसर लिखो, ठीक है। करो सॉल्व फटाफट से, जिसने भी नहीं किया अभी सॉल्व करो। 1% बोला किसका, गारंटेड एक्यूरेसी। गारंटेड एक्यूरेसी क्या होता है, फुल स्केल वैल्यू की, एक फुल स्केल वैल्यू से हम निकालेंगे क्या इसका डेल्टा है। क्या है अभिषेक का ए आंसर आया, परफेक्ट अभिषेक, परफेक्ट आंसर, एकदम सही मारा है। देखो क्या बोला यार, 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू गारंटेड एक्यूरेसी, तो इससे निकालेंगे क्या डेल्टा भी निकालेंगे। डेल्टा भी कितना आएगा, 1% ऑफ 100 कितना आएगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस माइनस 1 वोल्ट आ गया। अब इसने क्या बोला, द वोल्टेज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 25 वोल्ट। वोल्टेज मेजरमेंट कितना है, दैट इज 25 वोल्ट, 1/25 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, इनटू, अब मैं करूंगा कितना परसेंटेज में निकाल लिए, इनटू 100। क्या करते हैं अपन जब निकालते हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर, तब क्या बोलता हूं मैं, दैट इज होता है आपका डेल्टा ऑफ वी अपॉन वी इनटू 100। डेल्टा कितना आया सर, प्लस माइनस 1 आया, अपॉन आपका जो जिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो, दैट इज अवर 25 इनटू क्या हो गया 100। ऐसे निकालते ना तो कितना आ जाएगा, ये 4, द परसेंटेज एरर इज 4, परसेंटेज इज 4। वन सेकंड, पहले आपका क्या बोलते हैं, जो बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक एंड डिजिटल वाला पार्ट, वो कंटिन्यू होगा, सर को फिर क्लास जाना है कहीं पे, ठीक है। तो पहले आपको देख लीजिए, चलिए स्टूडेंट यहां पर जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, डिजिटल के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो यहां पर चलिए, तो जैसा कि ये सामने ही दिख रहा है आपको, सामने ही दिख रहा है,
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, क्या बताओगे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मॉस्फेट इज ए डिवाइस, मॉस्फेट किससे ऑपरेट करते हो स्टूडेंट आप लोग, मॉस्फेट को किस तरह से ऑपरेट करते हो, मॉस्फेट को किससे ऑपरेट करते हो, ऑपरेटेड बाय ए वोल्टेज, ठीक है, ऑपरेटेड बाय ए वोल्टेज हो चुका है सर। अच्छा ये करा दिया क्या मॉस्फेट का, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, पावर मॉस्फेट हैज ए थ्री टर्मिनल, तो तीन टर्मिनल कौन कौन से होंगे इसमें, ड्रेन सोर्स एंड गेट, ये भी हो चुका है कीर्ति जॉनवाल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा अच्छा ये आपको पावर इलेक्ट्रॉन वाले सर ने करा दिया, कोई नहीं, चलो ये आ गया, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे वीसी पूछा है यहां पर, और यहां पे फ्लो होने वाली करंट पूछी है आईसी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करनी है, यहां पर जो फ्लो होगी करंट वो होगी आईसी प्लस आईबी होगी, आप लगा दीजिए सिंपली एक केवीएल, ये वाला केवीएल नंबर वन, और ये लगाइए रहा केवीएल, केवीएल कैसे लगाओगे आप, ये लगाएगा 20 इज इक्वल टू 5.4 आईबी 400 आईबी, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो आईबी फ्लो होगी है ना, प्लस वीबी है ना, आपको वीबी गिवन है, आपको वीबी गिवन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी होता है, तो मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, तो रखने के बाद जो मेरे पास आईबी निकल के आएगी वो आएगी 0.02 मिली एम्पियर, इतनी करंट आएगी है ना, आप ये इसको करना, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी करना, और फिर जब आप आईसी निकालोगे बीटा इनटू आईबी से, तो यहां पे 99 कहां गया, बीटा कहां गया 99, तो 99 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, 99 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आईसी आ जाएगा आपका 2.04 मिली एम्पियर, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, 2.04 यहां पर है। लास्ट में आपसे पूछा है वीसी, तो वीसी कुछ मत करो, 20 - 5.4 इंटू आईबी प्लस आईसी, तो आईबी आपके पास है और आईसी आपके पास है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद इस वाली वैल्यू में यहां पर पुट कर दो, पुट करने के बाद आपको मिलेगा वीसी की वैल्यू 8.87 वोल्ट, है ना, कैलकुलेटर बहुत जरूरी है, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकटा, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकटा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि जब FET कट ऑफ रीजन में है, तो जब FET कट ऑफ रीजन में ही है स्टूडेंट, तो अब ड्रेन करंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ड्रेन करंट कुछ भी करते रहो आप, ड्रेन करंट हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, बिकम ए जीरो, बिकम ए जीरो। यहां पे पृथ्वी लिख रहा है द करंट गेन ऑफ सी एम्पलीफायर एज द लोड रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस अनचेंज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कहां पर पूछा गया, इसमें है क्या, यदि है तो करंट गेन ऑफ ए सी एम्पलीफायर एज द लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो करंट गेन का लोड रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुकात नहीं है, वोल्टेज गेन का होता, वोल्टेज गेन होता तो वो इंक्रीज हो जाता लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो वो इंक्रीज हो जाता, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है, वी नॉट कितना होगा, वी नॉट, तो कुछ मत करो, ये आप केवीएल देख रहे हो एक, तो क्या वी नॉट इज इक्वल टू 10 - सिलिकॉन का कितना होता है 0.7, तो क्या यहां पे 9.3 ना कर दूं मैं, से यस और नो, सर आपने अनचेंज बताया था, किसमें अनचेंज बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना मैंने अनचेंज, तो लास्ट क्वेश्चन में तो फैट फैट आपका ऑफ है ना, जब कोई डिवाइस ही ऑफ है तो डिवाइस ऑफ है तो आप कुछ भी करते रहो डिवाइस अपना काम करेगी नहीं, तो अनचेंज थोड़ा आएगा, तो जीरो आएगा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पहले इस क्वेश्चन को मैं फिनिश कर देता हूं फिर मैं तुम्हारी बात पे आता हूं। 9.3 में ये ऑप्शन कैंसिल होगा, ये ऑप्शन कैंसिल होगा, अब वो पूछ रहा है आपसे I1, वो आपसे पूछ रहा है I1, तो
तो आई वन जब फ्लो होगी तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है 10, इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है 0.7, कितना है 0.7, क्लियर है? तो 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 3, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 0.166 मिली एम्पियर के आसपास, 0.16 मिली एम्पियर। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारा डाउट दूर कर दूं। तुम्हारा डाउट है कौन सा? ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? ये क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? ये क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ। अब बोल रहे हो सर सही है, विकास गुप्ता सर सही है, सर आपने इसका आंसर अनचेंज बताया था क्लास में, लेकिन डिक्रीज आंसर आ रहा है। मैंने कब बताया था, मतलब अभी? यहां पर अनचेंज भाई एफईटी कट ऑफ रीजन में है, एफईटी कट ऑफ रीजन में है, एफईटी कट ऑफ रीजन में, तो कट ऑफ रीजन में तो काम ही नहीं करेगा ना एफईटी, और काम नहीं करेगा तो उन्होंने बोला है ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, तो ड्रेन करंट क्या होगी? करते रहो आप इंक्रीज, आप ड्रेन करंट ड्रेन वोल्टेज को करते रहो इंक्रीज, अभी भी क्या रहेगी? ड्रेन करंट जीरो ही रहेगी, क्योंकि कट ऑफ रीजन में है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है द राइज इन जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर को तो लीकेज करंट क्या कर लेगा, मुझे ये बताओ, लीकेज करंट कर लेगा सब कुछ? यदि सब कुछ लीकेज करंट कर रहा है तो फिर लीकेज करंट ही करवा लो, फिर हमें अपने सप्लाई वोल्टेज को देने की जरूरत नहीं है। लीकेज करंट किस ऑर्डर का रहता है? ऑर्डर ऑफ क्या? नैनो एम्पियर। पहली बात, फैट में कब से लीकेज करंट आ गया बेटा? फैट में अभिषेक, फैट में कब से लीकेज करंट होने लगा? गलत पढ़ लिया है तुमने, सही पढ़ो उसे, फैट में लीकेज करंट नहीं होता, लीकेज करंट होता है बीजेटी के अंदर। चलो हो गया डिस्कशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए राइज इन जंक्शन टेम्परेचर इफेक्ट द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो आप यदि जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डिप्लेशन विड्थ क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिप्लेशन विड्थ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑप्शन क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, चार ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये बताओ मुझे कि एसी रेजिस्टेंस हमेशा डीसी रेजिस्टेंस से कम होता है नहीं होता? तो एसी रेजिस्टेंस जब डीसी रेजिस्टेंस से कम होता है तो स्लोप, स्लोप एसी का ज्यादा होगा किससे? डीसी से। तो एसी का स्लोप ज्यादा होगा डीसी से। आंसर क्या हो गया? ए फॉर आगरा। आंसर क्या हो गया? ए फॉर आगरा। आंसर क्या हो गया? ए फॉर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आंसर क्या हो गया? ए फॉर आगरा, 25 का ए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं आंसर 25 का ए, बहुत ही शानदार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये बोल रहा है ए लाइटली डोप्ड जंक्शन आपने लिया है तो इनमें से कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 अपॉन डोपिंग। तो जिसकी डोपिंग कम उसका ब्रेकडाउन ज्यादा, ब्रेकडाउन ज्यादा मतलब बोले तो बी आंसर हो जाएगा, बोले तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? है ना विकास गुप्ता जनार्दन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पीएन जंक्शन के बारे में क्या सही होता है? ये एक्टिव डिवाइस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक्टिव डिवाइस नहीं है ये। पृथ्वी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक ही चीज को बार बार द करंट गेन ऑफ ए सी एम्पलीफायर एज द लोड रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, ये क्वेश्चन इस वाली टेस्ट सीरीज में है क्या? चलो तो ये एक्टिव डिवाइस नहीं होता। नेक्स्ट है डिप्लेशन लेयर विद डिक्रीजेस विद फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। थर्ड वन है इन द रिवर्स बायस केस सैचुरेशन करंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो 1, 2, 3 ये तीनों करेक्ट हैं, 1, 2, 3 ये तीनों करेक्ट हैं, ठीक है, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है ये कि सैचुरेशन रीजन में है, तो सैचुरेशन रीजन का मतलब हो गया VB इज ग्रेटर देन 0 और VBC इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0।
तो आप देख रहे हो कि सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो आंसर 2 और 4 ऑप्शन ए, आंसर 2 और 4 ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, डिजिटल की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलो तो यहां पर सभी को विजिबल है स्क्रीन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 65 डिजिटल को डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि 3 इनपुट NAND गेट है, 3 इनपुट NAND गेट तो कितनी एंट्रीज होंगी, कितनी एंट्रीज होंगी 3 के लिए, 2 की पावर 3 8, आंसर क्या हो गया, C4 कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 BCD, तो 1 BCD में कितनी बिट होती है, 4 बिट होती है, आंसर क्या हो गया, D फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67, ए डी फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी ट्रांसपेरेंट, डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं, 66 का डी बिल्कुल सही है, 66 का डी, 67 का क्या हो जाएगा डी, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लैच होती है, इनपुट को ही हम लोग आउटपुट में फॉलो करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, 2, ये क्या लिखा हुआ है, 4, ये क्या लिखा हुआ है, 6, बेस 10 पे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है, 10, और ये लिखा हुआ है लास्ट में 16, तो 2, 4, 6, 10, 16 आंसर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 68, डी फॉर दिल्ली। 67 का सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बेटा, 67 का सी नहीं होगा, 67 का डी होगा, 67 का डी होगा, ठीक है। चलिए 68 का देख लिया, 68 सारे के सारे मैंने बेस ऑफ 10 पे कन्वर्ट कर दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं मैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 69 से पहले क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ मत करो, आप के मैप बना लो, है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो के मैप बनाया तो 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों टर्म को भरोगे आप तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, भर के देखना, इस तरह से आ जाएगा। तो जब मैं इसकी ग्रुपिंग करूंगा तो ये बचेगा मेरा ए, और इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगा तो ये बचेगा मेरा बी सी, ए प्लस बी सी, तो आंसर क्या हो गया, ए फॉर आगरा, आंसर क्या हो गया, ए फॉर आगरा। सर 8 बिट एडर में कितने हाफ एडर चाहिए, अरे बेटा ये कहां की बातें कर रही हो, पेपर की बात करो ना, कहां की बातें कर रहे हो, क्या पढ़ी लोगे क्या, पेपर की बात करनी है, पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है यहां पर, ठीक है, क्लियर है, ए फॉर आगरा हो गया। अच्छा अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, 69 पर, ये मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये हो गया कि अपनी मर्जी से पहले मैंने पिक कर लिया, फिर उसको लास्ट में जस्टिफाई कर लिया। तो मैंने देखा कि वाई में 1, 3 जगह दिए हुए, तो मैंने इस ऑप्शन को तो कैंसिल ही कर दिया, माना ही नहीं मैंने, मैंने वाई 1 पुट कर दिया। जैसे ही मैंने वाई को 1 यहां पुट किया, तो इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 345, किस पर, बेस ऑफ 10 पर करना सॉल्व इसको, ये आएगी 345 बेस ऑफ 10 पर। अब यहां पर 3 ऑप्शन में से 2 और मुझे खत्म करने हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से बोला कि सी ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके कि W और Z 11 लें तो क्या होगा। तो जैसे ही आपने W और Z 11 लिया तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 23, और 23 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 345। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी फॉर कलकत्ता। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहां पर मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के और डिजिटल के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। आगे सर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, है ना, नेटवर्क कंट्रोल और मेजरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए चलो फिर से आगे करते हैं मेजरमेंट डिस्कस, ठीक है। क्वेश्चन में 57 से कुछ डिस्कस कर रहे थे अपन, याद है 57। देखो भाई बने रहो फटाफट से, नेटवर्क
सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क और मेजरमेंट का बाकी अच्छे से ठीक है डिस्कस करना है। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही यूपीपीसीएल का, यूपीएसएससी का आपने एग्जाम दिया होगा, कई बच्चों ने कितने कितने नंबर आ रहे होंगे, कल देखा सॉल्यूशन ठीक है, देखा होगा कितने क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेजरमेंट के, 17-18 क्वेश्चन आए हैं मेजरमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज मिल रहा है, अराउंड 15% के आसपास वेटेज आपके पेपर का ठीक है। चलो अब देखो मैं 57 डिस्कस कर चुका था ठीक है, 58 डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे 58 भाई अमित, ये पहले जानो कि हाफ एडर, अरे यार अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ना, अब आ जाओ अपने वाले पे, मेजरमेंट पे आओ अपने, बेसिक बेसिक ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 का फटाफट से आंसर लिखो, एक जने आंसर पिछली बार दिया था, कौन था, अभिषेक था आई गेस, अभिषेक या अमित किसने आंसर दिया था, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। चलो ए 0 to 100 वोल्ट मीटर हैज ए गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, क्या बोला यार कि जीएई दिया है, जीएई दिया है, दैट इज परसेंटेज जीएई दिया है, वो कितना 1% दिया है ऑफ फुल स्केल वैल्यू, ऑफ फुल स्केल वैल्यू, कई बार क्या बोलता है फुल स्केल वैल्यू, कई बार बोलता है स्पैन, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार क्या बोला इसने, फुल स्केल वैल्यू का बोला, फुल स्केल वैल्यू क्या सर यहां पे 0 से 100, तो 100 क्या हो गया इसका फुल स्केल वैल्यू हो गया ठीक है सर। नाउ द वोल्टेज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 25, अरे 0 से 100 का वोल्टमीटर था, उससे मेजरमेंट किसका किया हमने, 25 वोल्ट का मेजरमेंट किया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर, व्हाट इज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या होती है यार, आपका क्या बोलते हैं डेल्टा वी, जो कि एब्सोल्यूट एरर, अपॉन आपका वी ट्रू, कितने वोल्ट पे मेजरमेंट चल रहा है, जब भी चल रहा है 25 वोल्ट पे, इनटू 100 ठीक है सर, ये होता है फॉर्मूला। अब डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर, वो क्या होने वाली, अरे अमित राज आ जाओ भाई इसमें आ जाओ, हाँ 4% परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट है मंडल साहब का ठीक है, मेरी बात सुनो। अब क्या आएगा, डेल्टा वी निकालना, डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी देखो यार, डेल्टा वी कैसे निकालते हैं यार, जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर है उससे हम क्या निकालेंगे, अपना डेल्टा वी निकालेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकालेंगे, 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 1, 100 का 1% कितना होता है यार, एक ही तो होता है, तो यहां पे डेल्टा वी क्या आ गया मेरे पास सर, दैट इज 1, तो एब्सोल्यूट एरर मेरी हर एक डिग्री की, हर एक वैल्यू के ऊपर, हर एक वोल्टेज की रीडिंग के ऊपर, हर एक ट्रू वैल्यू के ऊपर 25 26 27 100 तक हर एक पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, जो एक फिक्स एरर है दैट इज 1, तो 1/25 × 100 दैट इज आवर आंसर, कितना आ जाएगा, दैट इज 4%, एब्सोल्युटली राइट आंसर, जिनका भी आया खुश हो जाओ, ये आंसर एकदम सही था, तो 4% इज द राइट आंसर विच इज ए, बात समझ में आई क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल ठीक है, बहुत सिंपल। अमित राज थोड़ा डिस्कशन बाद में कर लेना बेटा ठीक है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक एरर, अरे वाह फिर से एरर के ऊपर क्वेश्चन दिया सर इस बार, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक एरर, अच्छा क्वेश्चन था ये ठीक है। देखो दीज एरर्स कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये परसेंटेज एक्यूरेसी आपको बता के रखते हैं ना, कई बार इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतना परसेंट एक्यूरेट आपका इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है, उसकी बात करिए ऑप्शन के अंदर, फिर क्या बोला दीज आर द रेसिडुअल एरर्स, पता नहीं सर क्या है, फिर दीज आर द एरर्स कमिटेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के बाद अपन जो जो कमिट करते हैं, जो कि ग्रॉस एरर की बात कर रहे हैं, बोल क्या रहा है यार सिस्टमैटिक एरर कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर कहां कहां से आती है, मैंने पहले भी समझाया था सर, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, एक होती है आपकी क्या, एक होती है आपकी दैट इज एनवायरमेंटल एरर, एक ही होती है आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर ठीक है, तो ये तीनों ही तरह की एरर जो होती है ना, दीज एरर्स मे अकर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन कर लिया, मान लो आपने हर चीज कंट्रोल कर ली, इसके बाद भी कुछ एरर हो रही है, अंदर से सिस्टम एक एरर क्रिएट कर रहा है, जैसे मान लो स्प्रिंग ढीली हो गई, आपने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, आपने अपनी ग्रॉस एरर को कंट्रोल करा, ग्रॉस एरर मतलब क्या होता है, मतलब आपने कंट्रोल कर लिया अपनी ग्रॉस एरर को, दैट इज व्हाट, आपने कंट्रोल कर लिया, आप अपनी गलतियां मिस्टेक नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, रैंडम एरर को आपने कम कर दिया, तो अब एरर्स कौन सी बची, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर से आने वाली है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर से, अपने आप को आपने पूरा देख लिया ढंग से, नाउ द एरर विल बी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड से, वो क्या होगी, दीज एरर्स मे अकर अंडर कंट्रोल कंडीशन, वो कौन सी एरर होती, दैट इज सिस्टमैटिक एरर्स, जो कि कौन सी एरर, जो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर से आ रही है, कंट्रोल करने के बाद भी सारे एनवायरमेंट को तब भी क्या आ रही है, एरर आ रही, दैट इज अवर व्हिच एरर, सिस्टमैटिक एरर, एनवायरमेंट को कंट्रोल कर लिया इसके बाद भी आपकी एरर सारी, दैट आर कौन सी एरर होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें स्प्रिंग कई बार वीक हो जाती है, आपकी मैग्नेट कई बार वीक हो जाती है, ऐसे कुछ भी कंडीशन बन रही है, वैसी कंडीशन कहां से होगी, विच विल बी इन कंट्रोल एनवायरमेंट, आप कितना कंट्रोल कर लोगे, आप सिस्टम के अंदर तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो, तो वो कंट्रोल के बाहर है, इसलिए क्या हो गया ये, दीज एरर में अकर अंडर कंट्रोल कंडीशन, बात समझ में आई क्या, बहुत ही सिंपल, ए क्यों नहीं होगा सर, दीज एरर कैन बी कैलकुलेट, मेरी बात सुनो, कुछ परसेंटेज एरर जो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा रहेगा, मेरे को एक बात बताना आप, कि आपकी स्प्रिंग ढीली पड़ गई आफ्टर सम 5 years, ठीक है, 5 साल के बाद आपकी स्प्रिंग ढीली पड़ गई, ये थोड़ा ना इंस्ट्रूमेंट मेंशन होगा, इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन क्या होगा, कि स्टार्टिंग में जब हमने बनाया इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली पूरा डिजाइन कर दिया, तब भी इसमें कुछ एरर आ रही है, दैट इज सम रैंडम एरर, कुछ एरर आ रही है, दैट इज 4%, उसकी बात करता है वो, स्टार्टिंग में कौन सी एरर लिखता है,
जो एरर आपके हर एक चीज प्रॉपरली लगाने के बाद भी आ रही है, स्प्रिंग भी सही है, मैग्नेट भी सही, सब कुछ सही है, तब भी आपकी कुछ एरर आ रही है, दैट इज आवर डिटेल्स पे जो लिखा रहता है हमेशा, बात समझ में आई क्या? लेकिन आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम स्प्रिंग वीक हो जाती है, मैग्नेट वीक हो जाती है, और कुछ कंडीशन प्रॉब्लम आ रही है अंदर से, तो वो कंडीशन आपको नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है यार, डिपेंड करता है। मान लो आप यूज कर रहे हो हिमाचल के ऊपर, आप यूज कर रहे हो लद्दाख में, आप कभी यूज कर रहे हो गर्मी वाले मौसम के अंदर, तो सब बाद में की चीज है ना, ये सब पहले थोड़ा मेंशन करेगा बंदा। तो वो सब एरर्स कौन सी है, दैट आर एरर्स में अकर अंडर कंट्रोल कंडीशन। बात समझ में आया कि अमित क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था ये कि भाई ये लिखा नहीं रहेगा आपको, लिखा कौन सा रहेगा, जो मीटर के टाइम पे एकदम एब्सोल्यूट, एकदम मीटर को प्रॉपर्ली चेक कर लिया अपन ने, नई नई सब चीजें लगाई है, उसके बाद हम मीटर को चेक कर रहे हैं तब कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही, 25 डिग्री टेम्परेचर लिया अपने रूम टेम्परेचर पे एकदम सॉल्व कर रहे हैं, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आएगी क्या? रेजिडुअल एरर में आएगा क्या? रेजिडुअल एरर में नहीं आएगा। रेजिडुअल एरर, फिर से सोचो एक बार, रेजिडुअल एरर होती क्या, एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि रेजिडुअल एरर होती क्या, कि भाई एक तरह से इट्स पार्ट ऑफ रैंडम एरर, ठीक है, अगेन रैंडम एरर का पार्ट हो गया, ठीक है, इसी का पार्ट हो गया, ऊपर वाले का पार्ट हो गया। कंट्रोल कंडीशन में कौन सी हो रही है, मतलब आपने कंट्रोल कर लिया उसके बाद जो एरर होती है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। चलो बहुत डिस्कशन कर लिया इस क्वेश्चन के ऊपर, नाउ 60th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगर आपको देखो क्या होता है एग्जाम के अंदर, क्या होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे कैलकुलेटिव, कुछ क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली टिक करने वाले, बात समझ रहे हो क्या, कुछ क्वेश्चन होंगे कैलकुलेटिव और कुछ आपको टिक करने वाले होंगे डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन था टिक करने वाला नहीं था, ये था थोड़ा कैलकुलेशन करना था इसमें, ठीक है, जैसे आपने ऊपर कहीं टाइम बचाया तो आपको टाइम यहाँ पे लगाना था। देखो क्या क्वेश्चन है, 3 DC वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 120 वोल्ट DC सप्लाई, ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 3 DC वोल्टमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 वोल्टमीटर कनेक्ट किया सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे, ये वोल्टमीटर 1, वोल्टमीटर 2, वोल्टमीटर 3, इनको तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब क्या बोला, सॉल्व करना फटाफट से हाथों हाथ सबके साथ, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इन सीरीज अक्रॉस ए 120 वोल्ट DC वोल्टेज, सही आंसर आपका 120 वोल्ट DC वोल्टमीटर, डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। द वोल्टमीटर आर स्पेसिफाइड एज़ फॉलोज, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 3 वोल्टमीटर को ऐसा लगाया मैंने सीरीज के अंदर V1 V2 V3, इसके अक्रॉस मैंने लगाया 120 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स। अब इसने क्या बोला कि यार वोल्टमीटर 1 क्या रीड करेगा, वोल्टमीटर 2 क्या रीड करेगा, वोल्टमीटर 3 क्या रीड करेगा। मुझे एक बात हो, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन किस पे होता है, दिमाग लगाना थोड़ा, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन किस पे होता है, वोल्टेज डिवीजन होता है सीरीज में रेजिस्टेंस के हिसाब से, वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, सीरीज में क्या होगा प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन होगा। तो हर एक का रेजिस्टेंस निकाल लो और वोल्टेज को डिवाइड कर दो, बहुत ही सिंपल, या फिर क्या निकालो, करंट निकाल लो इसके अंदर पूरे के अंदर और करंट से मल्टीप्लाई कर दो किसका, रेजिस्टेंस का, बात समझ में आएगा सिंपल क्या है। अब देखो यहां पे अगर बात करूं, वोल्टेज दिया आपका वोल्टमीटर 1 का और आपको क्या दिया, करंट दिया, तो इससे इसका क्या बोलते हैं, वो क्या जाएगा, सही यार आपका एकदम परफेक्ट आ रहा है अभिषेक, आप दूसरा नाम क्या है, ब्रिशिति महाता, आपका परफेक्ट आ रहा है आंसर एकदम, 100/5 mA कितना हो जाएगा, दैट इज 100/5 mA, दिस इज अवर रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन, कितना होगा इसका रेजिस्टेंस, 5 to 10 हो गया, 5 to 10 20 क्या आ गया, 20 kΩ आ गया। फिर इसकी बात करें तो कितना आ रहा है सर, 100, इसका 250 V/Ω, ये सेंसिटिविटी दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, सेंसिटिविटी दे रखी है सर इसमें, ठीक है। तो सेंसिटिविटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा वोल्टेज से, कितना आ जाएगा, 25 kΩ आ गया इसका डायरेक्टली देखोगे तो, ठीक है। फिर लास्ट वाले की बात करते हैं सर, इसका क्या है, 15,000 Ω डायरेक्टली सर, 15,000 Ω लिख रखा है डायरेक्टली, क्या लिख रखा है, 15,000 Ω लिख रखा है, तो कितना हो जाएगा, किलो ओम की बात करूं तो कितना हो जाएगा सर, दैट इज 15 kΩ, 15 kΩ, 3 रेजिस्टेंस आ गए, वोल्टेज दे दिया अपन को। अरे वोल्टेज डिवीजन नहीं लगा सकते क्या यार, बहुत सिंपल है, वोल्टेज डिवीजन क्या करते हो, जिसका क्रॉस निकालते हो उसको क्या लिखते हो, 20 kΩ ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20, 30, 40, 50, 60 आ गया, इनटू कितना वोल्टेज दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है सर। अगर मैं बात करूं किसकी, V1 की अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, वो कितना आएगा सर, बहुत टफ है सर, 40 वोल्ट, कितना आएगा, 40 वोल्ट, मतलब आपका ये पहला वाला कितना रीड करेगा, वो रीड करेगा 40 वोल्ट। देखो एक तरीका तो ये है कि वोल्टेज यूजन लगा के सॉल्व कर दो, मैंने क्या बोला कि वोल्टेज डिवाइड होगा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा किसकी तरह, वोल्टेज यूजन के हिसाब से। नाउ एक मेथड और क्या बोल सकता हूं मैं आपको कि आप, हाँ एकदम परफेक्ट आ रहा है मंडल, देखो मैं एक और क्या बोल सकता हूं आपको, मैं बोल सकता हूं यार एक काम ऐसे भी कर सकते हो आप कि आप निकालो ओवरऑल करंट, क्या निकालो, पूरी करंट निकालो। देखो करंट कैसे निकालेंगे, 120 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर, वो आया रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 60 kΩ, अच्छा 120 डिवाइड बाय क्या करूंगा, 60 kΩ कर दूंगा, 60 kΩ कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2 mA, 2 mA करंट आ गई। अरे आप मल्टीप्लाई करते जाओ रेजिस्टेंस को करंट से, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 mA, 2 mA को मल्टीप्लाई करो 20 से, कितना आ गया, 40, इसको करो 220, 50, इसको करो 2 से, कितना आएगा, 30, बात समझ में आएगा। और एक बात और, एक जादू दिखाऊं, इन तीनों को ऐड कर दो, 120 आएगा,
क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, डिवीजन होगा किसमें, सीरीज के अंदर, और उसके बराबर ही आएगा 40, 50, 30 कितना होता है 120। बात समझ में आएगा? तो दो मेथड बता दिया आपको मैंने, दो मेथड, एक तो निकालो वोल्टेज डिवीजन से, और दूसरा कैसे निकालो, करंट को निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, हर एक रेजिस्टेंस से निकल जाएगा अलग अलग वोल्टेज। बात समझ में आई क्या? बढ़ू क्या आगे? बोलो 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 आगे, चलो बढ़ू, ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस एंड लॉस एंगल ऑफ ए गिवन कैपेसिटर स्पेसिमेन आर बेस्ट मेजर्ड बाय। अरे यार सर बात कर दी इसने कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की बात कर दी, लॉस एंगल वगैरह ठीक है, इसने बात कर दी कैपेसिटेंस की, 61 का डी, ओ हो बहुत बढ़िया, स्ट्रीक बना रहा है भाई अभिषेक, तो स्ट्रीक स्ट्रीक पे चल रहा है, तीनों के तीनों सही, तीनों के तीनों सही, अमित के भी तीनों के तीनों सही, ठीक है। देखो द कैपेसिटेंस एंड लॉस एंगल ऑफ ए गिवन कैपेसिटर स्पेसिमेन आर बेस्ट मेजर्ड बाय। अरे यार फटाफट से कमेंट में लिखो, फटाफट से कमेंट में लिखो कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने वाले ब्रिजेस कौन कौन से होते हैं, जल्दी से लिखो। तीन ब्रिजेस होते हैं, डी शॉर्टी होता होगा शायद एक, तो फटाफट से लिखो तीन ब्रिजेस, जल्दी जल्दी नाम लिखो, दो तो सेम ही होते हैं ना, फटाफट से तीनों के नाम लिखो जल्दी से, अमित राज फटाफट से नाम लिखो, डी अगर आपने लिखा है तो फटाफट नाम लिखो तीनों ब्रिजेस के, फटाफट से देखो द कैपेसिटेंस एंड लॉस एंगल ऑफ ए गिवन कैपेसिटर। देखो लॉस एंगल मतलब क्या, वही उसकी बात करता है, टेन डेल्टा, टेन डेल्टा एक कॉन्सेप्ट होता है किसके अंदर, अपने कैपेसिटी मेजरमेंट के अंदर, डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर में आता है, थोड़ा अगर आपने क्लास देखी होगी तो वहां पे पक्का मेंशन होता है डिसिपेशन फैक्टर की, वहां पे बात करते हैं। हाँ म्यूचुअल, अरे म्यूचुअल कहाँ चल रहा है अभी, म्यूचुअल थोड़ी ना चल रहा है अभी, ठीक है, म्यूचुअल कैपेसिटी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे है, हैवी सेट कैंपर, परफेक्ट एकदम परफेक्ट। देखो मैंने क्या बोला, टेन डेल्टा मतलब एक होता है अपना डिसिपेशन फैक्टर, वो निकालते हैं हम, टेन डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं, उसी की बात कर रहा है वहां पे लॉस एंगल, ये जो डेल्टा निकलता है ना दैट इज लॉस एंगल, ठीक है, यहाँ की कुछ बात कर रहा है ये, तो ये भी किस केस में आता है, ये आता है किस केस में, कैपेसिटेंस के केस में आता है सर। तो कैपेसिटी मेजरमेंट करने के दो मेथड होते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज टू मेथड, क्या क्या मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका कौन सा मेथड, दैट इज शियरिंग ब्रिज, ठीक है, जो कि मेंशन है इसके अंदर, एक होता है डी शॉर्टी ब्रिज, एक होता है मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज, तीन तरह के ब्रिजेस होते हैं अपने पास, ठीक है, तो दो तो मैंने बताया सेम ही होते हैं, डी शॉर्टी मॉडिफाइड डी शॉर्टी, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसको ऑप्शन में क्या क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर, एक तो एक है मैक्सवेल सर, मैक्सवेल का रिवाइज करो फटाफट से, किसका मैक्सवेल होता है आपका, किसका, इंडक्टेंस मेजरमेंट का, इंडक्टेंस, एंडरसन किसका होता है सर, अरे ये भी इंडक्टेंस का होता है सर, एंडरसन किस काम आता है सर, लो वैल्यू ऑफ क्यू, लो वैल्यू ऑफ, रिविजन करा रहा हूँ फटाफट से, रिविजन करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिविजन कर लो फटाफट से, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मैं बोल रहा हूँ एंडरसन ब्रिज काम आता है आपके किसके, दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्यू इंडक्टर, ठीक है। मैक्सवेल भी काम आता है किसके, मीडियम, आपको पता है कि ट्रिक क्या होती है, एम मतलब मीडियम, ये काम आएगा किसमें, मीडियम के अंदर, एच मतलब क्या, हेज ब्रिज, एच, एच से स्टार्ट होता है मतलब हाई कॉइल, हाई क्यू कॉइल, क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एग्जाम में डालूंगा मैं, हाई क्यू कॉइल, अच्छा ए मतलब कुछ है नहीं तो क्या बोल देंगे इसको, लो वैल्यूज ऑफ क्यू कॉइल, ठीक है। एंडरसन मतलब क्या, मीडियम के लिए काम आता है अभिषेक, परफेक्ट। वेन्स ब्रिज किसका काम आता है, फ्रीक्वेंसी की, ये भी सही लिखा लगता है, वेन से भी करते हैं कभी कभी, अरे कर सकते हैं करने को तो, ठीक है। हमारे पास जब ऑप्शन, देखो बात ये होती है कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेन्स को कंसिडर नहीं करते, क्यों नहीं कंसिडर करते पता आपको, दिमाग लगाया किसी ने, क्यों नहीं करते, बिकॉज उसमें फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आता है, ओमेगा का कंपोनेंट आता है, हमें ओमेगा क्यों चाहिए यार फालतू में, जब बिना ओमेगा के काम पड़ रहा है हमारे, किससे, शीयरिंग से काम हो रहा है, क्यों हम ओमेगा को एक एक्सटर्नल एक और वेरिएबल को बढ़ाएं। याद करो कौन सा ब्रिज होता है, एक ब्रिज होता है ना जहां पे ओमेगा की वैल्यूज आती है, अगर मैं बात करता हूं इंडक्टेंस के केस में, आपको पता है इंडक्टेंस के केस की अगर बात करूं तो वहां पे एक ऐसा ब्रिज होता है जहां पे फ्रीक्वेंसी आती है, ओमेगा स्क्वायर भी आता है वहां पे, फटाफट से कमेंट करके बताओ ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारा क्या, अवर अबाउट लॉस ऑफ चार्ज एंगल एंड कैपेसिटर के बारे में, कौन सा ब्रिज हो गया, दैट इज अवर शियरिंग ब्रिज, बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में, चलो भाई आगे बढ़े, रिविजन करा दिया पूरा का पूरा, कुछ बोलोगे नहीं, एरर ज्यादा आएगा, देखो एरर ज्यादा तो आएगा ही, पर एक बात और मैंने क्या बोली, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी आ रही है वहां पे, तो तीन तीन वेरिएबल को करना पड़ेगा एडजस्ट बेटा, बात समझ में आई क्या, तीन तीन वेरिएबल, एक बात सुनो, L1 L2 C1 C2 कितनों को करोगे यार, इससे बढ़िया तो इस पे जाओ ना, कौन से वाले पे, शीयरिंग पे जाओ ना, बात समझ में आई क्या। ए प्रेशर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस टाइप एनर्जी मीटर इज क्या होती है, हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव, हाई रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, और देखो प्योरली इंडक्टिव हो नहीं सकती, प्योरली रेजिस्टिव हो नहीं सकती, तो हम कंसिडर करते हैं क्या, दैट इज हाईली इंडक्टिव, क्यों हाईली इंडक्टिव, एक एरर आती है आपको पता है क्या, साइन बीटा साइन फाइव माइनस बीटा वाली एक एरर आती है, वो एरर बहुत प्रेवलेंट होती है, उस एरर को हटाने के लिए हम कहां पे जाते हैं, बी ऑप्शन, परफेक्ट 62 का आंसर एकदम परफेक्ट है आपका, दैट इज बी ऑप्शन, क्या, दैट इज हाईली इंडक्टिव। देखो मैंने क्या बोला कि या तो हाईली इंडक्टिव हो सकती है, हो सकती है क्या, या तो हो सकती है प्योरली इंडक्टिव, पर प्योरली इंडक्टिव पॉसिबल नहीं है यार, तो होती क्या है, दैट इज हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव क्यों, क्योंकि साइन एक एरर आती है, साइन बीटा साइन फाइव माइनस बीटा, ये कुछ एरर होती है, आप देखना एक बार नोट्स को तो आपको याद आ जाएगा, मेरी क्लास अगर पढ़ी होगी तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गए होंगे, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, 63 क्वेश्चन क्या था, एकदम टिक मार्क क्वेश्चन था, टिक मार्क पता है खेला गया इसमें, क्या बोला गया है कि वाट मीटर की रीडिंग क्या है, जो दो वाट मीटर की रीडिंग है, दैट इज वाट मीटर वन, वाट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, दैट इज 1:1 रीडिंग आ रही है, तो 1:1 मतलब क्या, दोनों वाट मीटर रीडिंग सेम, तो मतलब क्या,
phi is equals to zero. Phi zero था तभी तो आता, अरे बताओ वॉट मीटर वन का वैल्यू क्या आती है, दैट इज क्या आती है वैल्यू, वी आई इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस फाई, ये भी सेम, और दूसरी वाली वी आई इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस फाई, ये भी सेम बोल रहा है, दोनों वैल्यू सेम बोल रहा है, अरे किस पे सेम होगी, phi equals to zero पे सेम होगी ना, जब phi zero है तभी क्या होगा, सेम होगा, phi zero मतलब क्या, phi zero मतलब क्या, अरे क्या होगा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, मंडल लाल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर आया मंडल का, दैट इज यूनिटी, डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर व्हिच इज यूनिटी. बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या, होगा क्या, देखो या तो ऐसे कर सकते हो, या अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी है तो क्या करोगे फिर आप, फॉर्मूला होगा सर टेन इनवर्स रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन, या फिर इसको रेशियो में लिख लो डायरेक्टली, कैसे लिखेंगे रेशियो में सर, डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू माइनस ऑफ वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस वन, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसका रेशियो दे रखा वन, इसका रेशियो दे रखा वन, वन माइनस वन दैट इज जीरो, सो टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो कॉस ऑफ जीरो इज, यहाँ पे क्या आता साथ में, कॉस भी तो आता ना फॉर पावर फैक्टर, यहाँ पे क्या आता, कॉस भी तो आता ना यार, कॉस फाइव, तो ये क्या आ जाएगा आपका वन, ये तो फॉर्मूले से हो गया, किससे हो गया, फॉर्मूले से हो गया, बात समझ में आया क्या, यूनिटी पावर फैक्टर आ गया आंसर परफेक्ट राइट, मंडल का एकदम परफेक्ट आंसर है, बात समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आ गया, एक एक क्वेश्चन सही कर रहे हो आप, ये होता फील, मतलब ऐसे मजा आता क्लास में कराने में, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 64, मैच द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टाइप, सी आंसर है ना, अरे यार तुम तो गजब कर रहे हो यार, सब लोग गजब पहले पड़े हो यार, गर्दा उड़ा दी एकदम, ठीक है, मैच द लिस्ट इंस्ट्रूमेंट टाइप विद लिस्ट टू द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, अरे क्या क्या पढ़ रहा हूं मैं, तुमने तो कर ही दिया पहले, अरे पीएमएमसी किसमें काम आता है सर, काम आता है सिर्फ एसी में, एसी में काम आता है क्या, एसी में काम आता है क्या, अरे डीसी में काम आता है ना, प्योर डीसी को मेजर करता है या एवरेज वैल्यू को डीसी मेजर करता है, दैट इज अवर पीएमसी, तो क्या हो गया, ए का हो गया वन, ए का हो गया वन सर, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, मूविंग आयरन किसके काम आता है सर, वो काम आता है एसी का काम आता है सिर्फ, अरे यार सर डीसी मेजर भी कर सकता है वो, तो डीसी भी कर सकता है, तो क्या हो गया सर, थ्री हो गया इसका सर, मूविंग सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, मूविंग आयरन कनेक्टेड विद सीटी, सीटी से कनेक्टेड है साथ में, यार ये झोल था थोड़ा सा पर आपने पकड़ लिया, मैंने गलती कर दी, आपने पकड़ लिया, क्या लिखा है इसमें, मूविंग आयरन कनेक्टेड विद सीटी, सीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर, ये कहां पे काम करेगा, सिर्फ काम करेगा ओनली ऑन एसी सप्लाईज, ओनली ऑन एसी सप्लाईज, तो क्या ओनली ऑन एसी, तो क्या हो गया टू हो गया सर, टू इसी में आ रहा है, इसमें भी टू आ रहा है, अब बचा क्या रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या दोनों पे काम करता है क्या, अरे उसमें कुछ भी डालो यार वो कन्वर्ट कर देगा, एसी डीसी कुछ भी डालोगे तो क्या आएगा, दोनों पे काम करेगा, तो दैट इज थ्री आंसर, इसका भी थ्री हो गया, लास्ट क्या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, अरे सर ये तो हर जगह काम करता है, एसी डीसी दोनों पे काम करेगा, जैसे एमआई काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, तो इसका भी क्या हो गया थर्ड हो गया, तो आंसर क्या हो गया राइट सी, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन किया यहाँ पे आज सबने, ठीक है सबको मिलेंगे फुल मार्क्स, तो क्या हो गया 64 का आंसर दैट इज सी 1 2 3 3 परफेक्ट, अब ये डिजिटल का पार्ट हो गया, अब मेरी बात सुनो फटाफट से कॉपी पर लेके बैठ जाओ, नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क की बात होगा, कंट्रोल सिस्टम सबको गर्दा उड़ाना है, ठीक है सबको, ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है हाँ, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, ईएमसी होता है ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट, एक हॉट वायर भी होता है ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट, बहुत शानदार सेशन रहा, रिवीजन करा दिया सब कुछ आपको, ठीक है चलो मैं हैंड ओवर करता हूं सर को, नेटवर्क कराएंगे पूरा का पूरा, फुल सपोर्ट ऐसे करना, ठीक है चलो बाय, हेलो गाइस हाँ तो मैं आप लोगों को नेटवर्क कंट्रोल और सिग्नल का कराऊंगा सॉल्यूशन, है ना, नेटवर्क कंट्रोल और सिग्नल का, ठीक है जल्दी से फटाफट एनर्जी दिखा दो गाइस, जल्दी से फटाफट एनर्जी दिखा दो अपनी अपनी, तो चले कंट्रोल की क्वेश्चन की ओर चले, देखो पहले सिग्नल है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखना क्या बोला है, व्हाट डज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब फॉर द सिस्टम, है ना, व्हाट डज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब फॉर द सिस्टम, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का सिस्टम क्या डिस्क्राइब करता है वो सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स वो शो करता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स डिस्क्राइब करता है, ठीक है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स डिस्क्राइब नहीं करता है, दोनों बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं ये तो गलत है, है ना, तो सिर्फ वो क्या डिस्क्राइब करेगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ही ट्रांसफर फंक्शन को दिखाता है, ऐसा पढ़ा होगा आपने, ठीक है नेक्स्ट देखो व्हाट इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द एक्स जेड,
ये जो है ये डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला है गाइस, क्या x ऑफ n इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई z इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ z इनटू z का पावर n माइनस 1 dz। ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म का, जो आपको किसी ना किसी ऑप्शन में दिख रहे होंगे। ये तो बिल्कुल नहीं है 1 बाय z, वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ना, ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है गाइस, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है उस कन्वर्ट करने का, है ना। तो ये आपका x ऑफ n इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई j क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ z इनटू z टू द पावर n माइनस 1 dz, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉर द सिग्नल शोन अबव, इसके लिए पूछा गया है कि लैपलास एग्जिस्ट करेगा, फोरियर एग्जिस्ट करेगा, दोनों करेगा, दोनों नहीं करेगा। तो ये कैसा सिस्टम है, ये अनबाउंडेड सिस्टम है, इसके लिए हमेशा क्या सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, लैपलास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फोरियर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, अनबाउंडेड सिस्टम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ओनली लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, यानी कि बी। नेक्स्ट 32-33 देखो, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ y ऑफ द पीरियोडिक डेल्टा फंक्शन x ऑफ t, ये गिवन है गाइस, ये भी डेल्टा फंक्शन का क्या पूछा गया आपसे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ऐसे स्टैंडर्ड सिग्नल का, यूनिट स्टेप सिग्नल का, रैंप सिग्नल का, डेल्टा फंक्शन का आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, आप उत्तर सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतने छोटे एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो पूछेंगे जरूर, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करने नहीं जाना है, हमेशा इसका आंसर आप क्या करो, याद रखो इसका आंसर क्या होता है गाइस, इसका आंसर क्या होता है, डेल्टा फंक्शन का जो आप जेट ट्रांसफॉर्म करते हो वो क्या होता है, 1 बाय ऑफ टाइम पीरियड टी k to n माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस k बाय टी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 33-34 देखो, विच वन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन इज टाइम इनवेरिएंट। देखो ये सॉल्व करने वाला है गाइस, यहाँ पे देखो पहला फंक्शन, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए, ये पूछ रहे हैं कि ये टाइम इनवेरिएंट है, कौन सा इनमें से टाइम इनवेरिएंट है। तो देखो पहला चेक करोगे, ये जो एन की वैल्यू है, ये जो एन की वैल्यू दिख रही है, इस पे आप क्या करो, पहले पुट करो एन ऑफ एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस एन नॉट, फिर यहाँ भी जहां जहां एन है वहां वहां एन माइनस एन नॉट पुट हो जाएगा, तो ये x ऑफ n माइनस n नॉट, ठीक है। अब क्या करो, अब इसमें आप ये इसे इक्वेशन वन बोल दो, और अब आप इसे क्या करो, शिफ्टिंग करो, राइट साइड इसमें शिफ्ट करो, तो n में शिफ्ट करोगे तो n माइनस n नॉट, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो चेंज होता है, जो शिफ्टिंग होती है, वो क्या होता है, सिर्फ बेस फंक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग होगा गाइस, n माइनस n नॉट x ऑफ n। अब देखो इक्वेशन वन और टू सेम नहीं है, अगर इक्वेशन वन और टू सेम नहीं है तो ये कैसा है, ये डिपेंडेंट फंक्शन है, ये कैसा है, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर इक्वेशन वन और टू दोनों सेम आ जाए तो हम इसे कैसा बोलेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट ट्राई करो सेकेंड वाला बी, तो वाई ऑफ एन, यहाँ पे भी क्या करो, पुट करो जहां जहां पे n है, तो n माइनस वन एन माइनस एन नॉट इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस एन नॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, माइनस x ऑफ n माइनस एन नॉट माइनस वन, ये हो गया इक्वेशन वन। ये था हमने n माइनस एन नॉट वैल्यू जहां जहां n था वहां वहां हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे शिफ्ट कैसे करोगे, तो n में से अगर राइट साइड आप शिफ्ट करोगे तो n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू, यहां भी शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x में n माइनस एन नॉट, फिर यहां शिफ्ट करोगे तो n माइनस एन नॉट यहां भी हो जाएगा, शिफ्टिंग कर रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो एग्जैक्टली इक्वेशन वन और टू जो है वो क्या है, वो सेम है। अगर इक्वेशन वन और टू सेम हो गया तो इसका मतलब ये कैसा है, टाइम इनडिपेंडेंट है ना, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है, टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चले नेक्स्ट 35 देखो, 35 इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना, तब इसका एफ ऑफ जीरो प्लस पूछा है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस है ना इनिशियल वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस इंटू एफ ऑफ एस। अब यहां क्या करो, पुट कर दो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस इंटू एफ ऑफ एस जो है वो क्या है गाइस, 27s प्लस 97 डिवाइडेड बाई s को बाहर निकाल दो, तो ये क्या बच गया, s प्लस 33,
तो एस एस कैंसिल हो गया, तो यहां से लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, यहां से फिर से एस बाहर निकाल दो, तो 27 प्लस 97 बाय एस, और यहां से एस निकालोगे तो 1 प्लस 33 बाय एस, तो एस एस कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो 27 प्लस 97 बाय इनफाइनाइट इज 0, यहां पे 1 प्लस 33 बाय इनफाइनाइट 0, तो यानी कि 27 बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 27, तो कौन सा हो जाएगा आंसर गाइज, 35 का आंसर क्या हो जाएगा सी, है ना, आंसर क्या हो जाएगा सी। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 35 हो गया, 36 देखो, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव फॉर्म फैक्टर क्या होता है गाइस, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, है ना, फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, और जो स्क्वायर वेव अपना होता है उसमें क्या होता है, उसमें उसका आरएमएस वैल्यू भी सेम होती है और एवरेज वैल्यू भी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड 1 एंड 1, तो 1 बाय 1 फॉर्म फैक्टर क्या आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इन वी फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन बिलो, सप्लाई वोल्टेज क्या पूछा गया, सप्लाई वोल्टेज पूछा गया है, सप्लाई वोल्टेज पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, सप्लाई वोल्टेज का V इज इक्वल टू रूट अंडर रेजिस्टेंस का वोल्टेज का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस VL माइनस VC का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 50 का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस 100 माइनस कैपेसिटेंस के अक्रॉस 100, तो ये क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर और ये प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट कौन सा है डी है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 37 का क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल बिट्टू अंसारी डी, बिट्टू अंसारी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो 38, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द एमीटर विल रीड, इसका आंसर बता दो फटाफट, इसका आंसर बता दो फटाफट, फटाफट से बता दो, इसका आंसर क्या निकाला आपने, इसका आंसर क्या निकाला आपने, जल्दी से बताना, देखो जल्दी से बताना, ये देखो 10 और 10 सीरीज में, तो ये कितना हो गया 20 20 20 पैरेलल, तो ये क्या हो गया 10 10 प्लस 6 16 16 16 क्या हो गया 8, मतलब ये सर्किट ऐसा बन गया, ये हो गया 2 ओम, यहाँ एमीटर लगा हुआ है जो हमारा रीड करेगा, और ये क्या हो गया 8 ओम, और यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से आप एमीटर कितना रीड करेगा, तो कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर 100 बाई 8 प्लस 2 यानी कि 10, यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 एम्पियर के बराबर, तो कौन सा हो जाएगा गाइस ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 39 देखो क्या बोला गया, ए टू पोर्ट नेटवर्क हैज ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये दिया हुआ ट्रांसमिशन पैरामीटर, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क एट पोर्ट 1, पोर्ट 1 पर इनपुट इम्पीडेंस बताना है, पोर्ट 1 पर, बिट्टू कुम अंसारी नहीं, इसका गलत है, ए आंसर नहीं होगा 39 का, 39 का ये आंसर नहीं होगा, है ना, 10 राकेश मुरिया, अच्छा पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो बिट्टू अंसारी, अगर पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो तो सही है आपका आंसर, 10 बिल्कुल सही है, करेक्ट। ये देखो, ये बताओ इनपुट पोर्ट पे बताओ इनपुट इंपीडेंस कैसे निकालोगे, पहले देखो ये क्या होता है V1 I1 इज इक्वल टू, ये पैरामीटर क्या होते हैं ABCD, कैसे लिखते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर को, V2 ये I2, यहां से निकालोगे V1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा AV2 प्लस BI2, यहां से निकालोगे I1 की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा CV2 प्लस DI2, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोलो, इसे इक्वेशन 2 बोलो, और इनपुट इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो कैसे क्या होगी, जेड इनपुट इज इक्वल टू V1 बाय I1, कब, जब सेकेंडरी मेरा ओपन सर्किट हो, I2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे I2 0 करोगे तो ये दोनों खत्म हो गया, तो V1 की वैल्यू क्या बची AV2 और I1 की वैल्यू क्या बची CV2, तो V2 कैंसिल, तो क्या बच गया A बाय C, ये आपका आ गया इनपुट पोर्ट पे इंपीडेंस, कौन सा है A बाय C D, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस 39 का क्या हो जाएगा आंसर D आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड टू ऑब्टेन द करंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर ऑफ द लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड है, और है ना ये सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड है सुपरपोजिशन थ्योरम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन ए कॉइल व्हाइल एक्सेलरेटिंग ए मैग्नेट इनसाइड, जब भी कॉइल में करंट को पास कराते हो तो क्या होता है मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा ये इंक्रीजेज हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर 41 का ए। नेक्स्ट देखो, ए 40 वॉट ट्यूब लाइट इज इन पैरेलल विद ए रूम हीटर ऑन ए मेन लाइन, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच लाइट इज स्विच्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, एक हीटर है और एक
ट्यूबलाइट है, दोनों पैरेलल में लगे हुए, तो ये बताओ पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा गाइस? पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम होगा। अगर आप लाइट को ऑफ कर देते हो तब भी जो हीटर के आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो है वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हीटर आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो 42 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखना 43, व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर ए शॉर्ट सर्किट चॉक कॉइल ऑफ एलएम। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है चॉक क्वाइल का चॉक, तो क्या होता है फिलामेंट बर्न करने लगता है, तब शॉर्ट सर्किट मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिलामेंट जल उठता है जिससे लाइट जलने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द फिलामेंट विल बर्न व्हेन द लैंप इज टर्न ऑन। जैसे ही लैंप को टर्न ऑन किया जाता है तो क्या होता है फिलामेंट उसकी बर्न करने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 44, टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर 2 and 3 फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, दो कैपेसिटर है, एक है 2 फेराड की, दूसरी है 3 फेराड की। ठीक है, इसके साथ एक फेराड की कैपेसिटर को लगा दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, देन द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द फैराड। तो देखो ये दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा 2 into 3 divided by +5 और प्लस इसके साथ 1, यहां से आपका सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा, यानी कि 6/5 + 1 = कितना हो गया 6/5 = 11/5 फेराड। कौन सा हो जाएगा डी, फटाफट करो। 44 का कितना हो गया गाइस, 44 का कितना हो गया, नेक्स्ट ये क्या 44 का क्या हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 45 का देखो, नेक्स्ट 2 resistors आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 resistors पैरेलल में कनेक्टेड है, अक्रॉस इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स होगा वी, हाउ डू करंट एंड पावर ऑफ द रेजिस्टेंस R1 से करंट और पावर कैसे चेंज करेंगे जब R2 को हाफ कर दिया जा रहा है। तो R2/2 कर दो, R2/2 करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है गाइस, क्योंकि ये अलग I1 इसमें जा रहा है तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू जो है I1 ही रहेगी फर्स्ट। और सेकंड जो पावर होगा गाइस इसमें R1 में, तो P1² = I1² × R है ना, तो पावर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी और पावर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी और रेजिस्टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि R2 को उन्होंने चेंज किया है। अगर वोल्टेज से देखा जाए तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों के अक्रॉस जो है वोल्टेज सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा, है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट, बोथ करंट एंड पावर आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रहेगा गाइस, क्या रहेगा, दोनों कांस्टेंट रहेगा। फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 45 46 देखो, एक क्वाइल विद लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस हैज अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस का मतलब है जो कैपेसिटर है उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, कैसी फ्रीक्वेंसी होती है उसके पास, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो 46 का क्या हो गया डी। नेक्स्ट देखो 47, टू ए हाईली इंडक्टिव सर्किट ए स्मॉल कैपेसिटेंस इज एडेड इन द सीरीज, द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये किसी ने सॉल्व किया था क्या 47, देखो ये क्या बोल रहा है, इंडक्टिव, ये क्या है मेरा इंडक्टर है ये JXL और इसके सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया JXC। ठीक है, तो ये क्या है हमारा VR वोल्टेज है ना, इंडक्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा VL और रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा V। अब क्या बोल रहा है, कैपेसिटर एड कर रहे हैं, तो यानी कि छोटा सा एक कैपेसिटर एड किया स्मॉल वैल्यू, तो इसे क्या ऊपर रिजल्टेंट निकालोगे जाके तो ये कहीं यहां तक आएगा, तो ये जब रिजल्टेंट जो होगा V और ये हमारा करंट, तो इसके बीच पहले एंगल सपोज दैट 51 था, अब एंगल घटकर जो है 52 हो गया, तो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल जो हुआ क्या हुआ गाइस, जो डिक्रीज कर गया एंगल, क्या हुआ डिक्रीज कर गया। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 48, ड्यूरिंग द चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी जो होती है, जो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होती है, इंक्रीज कर जाती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है 1.28 वोल्ट तक मैक्सिमम जाती है H2SO4 का सॉल्यूशन जब आप यूज करते हो। ठीक है,
नेक्स्ट देखो व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लो इन ए कैपेसिटिव सर्किट व्हेन ए डीसी वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज जैसे कि कोई कैपेसिटिव सर्किट है, कोई कैपेसिटिव सर्किट है, जैसे देखो कोई कैपेसिटिव सर्किट है, जैसे ये सोर्स वोल्टेज हमारा V ऑफ S और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस कोई कैपेसिटर का अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा V ऑफ C। अगर दोनों वोल्टेज हो जाए, अगर VC VS के बराबर हो जाए सोर्स वोल्टेज के, तो करंट जो फ्लो करेगा, अगर दो वोल्टेज सेम हो गया तो उसके बीच में गाइस कोई भी करंट फ्लो करेगा क्या? कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला है उन्होंने, क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली सेम, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट भी थोड़ा ही फ्लो करेगा, यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करेगा, यहां से जो फ्लो करेगा आई मिनिमम फ्लो करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, यानी कि लिटिल करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 50 देखो, द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाई ए कंडक्टर वेरीज, कैसे वेरी करता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब क्या बोल रहा है, डायरेक्टली एज इट्स क्रॉस सेक्शन, नहीं गलत है, डायरेक्टली एज द टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी गलत है, इनवर्सली होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायरेक्टली एज लेंथ, हाँ सही बात है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं ये भी गलत है, बचा क्या, डायरेक्टली एज द रेजिस्टिविटी, सही है, एंड द लेंथ ऑफ द मटेरियल, सही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा गाइस, इसका डी हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो 51, नेक्स्ट अब देखो ये नेटवर्क खत्म हो गया आपका, अब क्या है ये कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम आ गया आपका, यहाँ पे देखो क्या बोला, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज्ड लूप, सेकंड ऑर्डर का क्लोज्ड लूप इक्वेशन गिवन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड डैम्पिंग फैक्टर पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन जो होता है, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन ओमेगा एन ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टू जीटा ओमेगा एन जो निकालोगे इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से जो और यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू 16, तो यहाँ से ओमेगा एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 रेडियन पर सेकंड के बराबर, यहाँ पे इसे यूज करोगे 2 इंटू जीटा इंटू 4 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हाफ आ जाएगी, यानी कि 4 एंड हाफ, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा गाइस, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, बिट्टू अंसारी अमित राज यार, फटाफट यार एनर्जी दिखाओ यार, आंसर करो यार, शांत बैठे हो। नेक्स्ट देखो 52, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है, द पोर्शन ऑफ द रियल एक्सिस दैट लाई ऑन द रूट लोकस बिटवीन, तो देखो पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके 52 के अंदर, यहाँ पे देखो पोल को पहले प्लॉट करो, ये क्या है -1 और क्या -2, दूसरा क्या है -4, है ना, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, उसके बाद इधर की ओर देखो, तो समेशन ऑफ पोल और जीरो, समेशन ऑफ पोल और जीरो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, अगर समेशन ऑफ पोल और जीरो जो ऑड हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट करना है, अगर इवन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, आरएलडी मेरा डज नॉट एग्जिस्ट, रूट लोकस डायग्राम, यानी कि यहाँ से देखो समेशन ऑफ पोल और जीरो 1 2 3 ऑड है, तो यहाँ पे जो है रूट लोकस डायग्राम यानी कि आरएलडी एग्जिस्ट करेगा, इसे यहाँ ले आओ, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ से जब इधर देखेगा तो यहाँ क्या 1 2 इवन, यहाँ पर मतलब रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ पे खड़ा कर तो इधर देखेगा तो सिर्फ इसे एक पोल दिखेगा, यानी कि ऑड है, तो यहाँ पे रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब -1 और -2 के बीच एक एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा -4 और इधर कुछ नहीं है, मतलब -इनफाइनाइट, मतलब -इनफाइनाइट और -4 के बीच रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा -2 से और -1 के बीच एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ऑप्शन है गाइस, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है -4 से -इनफिनिटी और -1 से -2, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 52 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क टू वर्क एज ए लैग कंपनसेटर, है ना, द वैल्यू ऑफ आर टू, आर टू की ऐसी क्या वैल्यू करे कि वो नेटवर्क लैग कंपनसेटर दिखे, कोई भी वैल्यू अगर आर टू की रख दो तो वो लैग कंपनसेटर ही दिखेगा, वो लीड नहीं बनेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा उसका ट्रांसफर फंक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर की कोई भी वैल्यू रखने से वो लैग कंपनसेटर ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, ये ओपन लूप में होता है, कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक लगी होती है और आउटपुट जो है कंट्रोल एक्शन और फीडबैक पे डिपेंड करता है,
लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इंडिपेंडेंट, पहला गलत है, सेकंड आउटपुट इज इंडिपेंडेंट गलत है, देयर इज नो फीडबैक, फीडबैक होता है, कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड ऑन आउटपुट, कंट्रोल एक्शन डिपेंड करेगा आउटपुट पे, है ना, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन ओपन लूप के लिए दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, डी। नेक्स्ट देखना, फॉर ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम द क्लोज लूप पोल्स आर, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मतलब यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, और जो पोल्स आएगा दोनों पोल सेम आएंगे, जैसे -2 -2 -1 -1 ऐसे आएंगे, इक्वल पोल आएंगे, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में पोल्स जो आते हैं इक्वल आते हैं, पोल्स इक्वल, ठीक है, रियल भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, रियल इक्वल एंड नेगेटिव फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए। नेक्स्ट देखो 56, फॉर ए टाइप 1 सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ द इनिशियल स्लोप ऑफ द बोडे प्लॉट विद 0 dB एक्सिस गिव्स, जब भी 0 dB एक्सिस जो हमारी लाइन होती है बोडे प्लॉट में, जहां से बोडे प्लॉट स्टार्ट होती है लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, जैसे वो क्रॉस करती है तो वहां पे एरर कॉन्स्टेंट, वहां पे कॉन्स्टेंट एरर या एरर कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, एरर कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट एरर जो 2 zeta omega n करके होता है, तो वो एरर कॉन्स्टेंट देता है वहां पे, कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, कौन सा ऑप्शन, एरर कॉन्स्टेंट बी, यानी कि क्या हो जाएगा 56 का बी। 57 देखो, 57 देखो, द एप्लीकेशन ऑफ द, यानी कि आपका, यानी कि आपका ये हो गया एंड, है ना, नेटवर्क कंट्रोल प्लस सिग्नल्स के आपके इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये आपका था 52-52 टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका जो होगा 52-52 टेस्ट नॉन टेक्निकल के लिए होगा नेक्स्ट संडे, उसके भी आगे जो होगा वो होगा टेक्निकल टेस्ट होगा, जैसे आज हुए हैं, ये था आपका टेस्ट नंबर 16, नेक्स्ट जो होगा टेस्ट नंबर 17, उसके जो आगे फिर होगा टेक्निकल वो होगा टेस्ट नंबर 18, तो ऐसे निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी के साथ आप बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, गुड बाय।